Good morning students, this video is for class 7 students. This is your history class and I am Suraj Kumar. We are studying our chapter number 6, which is the Mughal Empire, and we had previously studied about the expedition and Central Asian campaigns of Shahjahan. Not today we will study about art and architectures made by Shahjahan in his kingdom. So Shahjahan constructed a number of beautiful buildings which he designed himself. बहुत सारे ऐसे buildings उन्होंने बनवाए जिसका design उन्होंने खुद तैयार किया था, और उनके जितने भी buildings थे उनमें jewels, पर्ल्स, जेम्स, गोल्ड एंड सिल्वर से उन्हें जड़ा जाता था. ठीक है, यानी कि कई कीमती पत्थर, जैसे मोती हो गए, कुछ कीमती पत्थर हो गए, सोने और चांदियों से उनको उनमें जड़ाई की जाती थी. इस तरह के प्रीसियस स्टोन्स उसमें जड़े जाते थे. दिस बिल्डिंग्स आर द फाइनेस्ट मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड द इंडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. अब जो डिज़ाइनिंग होती थी उनके द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स की, जो डिज़ाइनिंग होती थी उसमें इंडियन और पर्शियन आर्किटेक्चर का मिक्सचर जो है वो देखा जा सकता है. इसके अलावा उन्होंने ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव वाइफ मुमताज महल. शाहजहां ने, हम सब जानते हैं, शाहजहां ने ताजमहल अपनी वाइफ की याद में बनवाया था. एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑफ प्योर वाइट मार्बल. ये जो ताजमहल है जिसे हम 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी गिना जाता है, इसे जो कि प्योर वाइट मार्बल से इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था, जो कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं. नाउ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, ताजमहल को बनवाने में लगभग 20 इयर्स का समय लगा, और इसमें उस समय के वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो टोटल कॉस्ट जो है वो इसका कितना आया था, 3 करोड़ रुपीज का उसमें इन्वेस्ट किया गया था ताजमहल को बनाने के लिए. और हम लोग सब जानते हैं इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड न्यू सिटी ऑफ दिल्ली नेम्ड एज शाहजहानाबाद. ठीक है, उन्होंने अपना एक न्यू सिटी भी बनवाया जिसे शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है, और उसी सिटी में, उसी न्यू सिटी में उन्होंने रेड फोर्ट यानी लाल किला और जामा मस्जिद जैसे बिल्डिंग्स को भी बनवाया, जो कि उस सिटी के ब्यूटी को और ज़्यादा क्या करता है, इंक्रीज करता है. तो इस तरह के कुछ उन्होंने आर्ट बिल्डिंग्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इस तरह के कुछ बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाए थे. रेदर देन दिस, उन्होंने रेड फोर्ट जो उन्होंने बनवाया उसके अंडर में कुछ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स का भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास. दीवाने आम, दीवाने खास के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. उसमें उन्होंने रंग महल, मोती महल, ये सारे चीज़ें उन्होंने कौन से बिल्डिंग्स के अंडर में बनवाए, रेड फोर्ट के अंडर में बनवाया, जिसमें कि द दीवाने खास वॉज द मोस्ट मैग्निफिसेंट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स. ये सारे जितने भी बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाए उसमें से दीवाने खास जो था वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स माना जाता है उसे. इट वॉज डेकोरेटेड विद द प्रीसियस जेम्स. अब देखिए दीवाने खास क्यों इतना मैग्निफिसेंट है, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ही कीमती पत्थर जड़े गए थे, स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था, सोने का इस्तेमाल किया गया था, और दीवाने खास में एक थ्रोन भी था. थ्रोन मीन्स एक राज सिंहासन भी था जिसे पिकॉक थ्रोन के नाम से जानते हैं. ऑन विच शाहजहां सैट, और इस थ्रोन पर शाहजहां बैठा करते थे, वॉज प्लेस्ड ऑन द वाइट मार्बल प्लेटफॉर्म. एक वाइट मार्बल प्लेटफॉर्म के ऊपर उस थ्रोन को, पिकॉक थ्रोन को रखा गया था. और इस थ्रोन की क्या खासियत है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस थ्रोन, इज दैट द थ्रोन वॉज सपोर्टेड बाई 12 पिलर्स. उस थ्रोन में कितने पिलर्स लगे हुए थे, जो पाया होता है ना, 12 पाया उसमें लगे हुए थे, पिलर्स लगे हुए थे. एंड ईच पिलर हैड 2 पीकॉक्स, और हर पाया में, हर पिलर में 2 मोर बने हुए थे, 2 पीकॉक्स बने हुए थे. ठीक है, और वो पीकॉक्स सिंपली नहीं बने थे, बल्कि क्या थे बच्चे,
स्टडेड विद द जेम्स, उनमें बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात जो है वो जड़े गए थे। द कोहिनूर जेम वॉज ऑल्सो यूज इन दिस थ्रोन, और उसी राज सिंहासन में उसी राजगद्दी पर कोहिनूर नाम का जो हीरा है उसे भी जड़ा गया था। और अगर उस कोहिनूर हीरे की कॉस्ट की बात की जाए तो उसका कॉस्ट क्या था उस समय, 1 करोड़ रुपए के बराबर था। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और वो जो थ्रोन ठीक है जिसमें कि कोहिनूर जेम्स को भी जड़ा गया था, एंड इट वॉज कम्प्लीटेड इन अबाउट 7 ईयर्स, और उस थ्रोन को बनाने में कितने साल का समय लगा, 7 साल का समय लगा था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि दिस थ्रोन वॉज टेकन बाई नादिर शाह। नादिर शाह ने उसे 1739 में अपने साथ वो उसे पर्शिया ले गया। नाउ शाहजहां मेट शाहजहानाबाद एज हिज कैपिटल, और शाहजहां ने शाहजहानाबाद को अपना कैपिटल बनाया। द पर्ल मॉस्क एट आगरा फोर्ट इज़ अ फाइन एग्जांपल ऑफ ब्यूटीफुली प्रोपोर्शन स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो पर्ल मॉस्क है ठीक है, मोतियों से बनी हुई जो मस्जिद है, मोती मस्जिद के नाम से जिसे जाना जाता है, वो आगरा के किले में सिचुएटेड है, इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ ब्यूटीफुली प्रोपोर्शनल स्ट्रक्चर ठीक है। वो भी एक बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स है, शाहजहां के द्वारा बनाए गए मॉन्यूमेंट्स में से एक है। इसके अलावा शाहजहां ने और क्या बनाया, ही ऑल्सो बिल्ट जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है उसे भी शाहजहां ने बनवाया। द लार्जेस्ट मुस्लिम सेंचुरी इन इंडिया, जो कि दुनिया में ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ा मुस्लिमों की प्रार्थना करने की जगह है, नमाज पढ़ने की जगह है। इट वॉज बिल्ट एज अ सेंटर ऑफ पब्लिक वर्शिप फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली, और इसके पीछे मकसद क्या था कि दिल्ली में रहने वाले लोग जो है वहाँ पर अपने ईश्वर के, अपने अल्लाह की वहाँ पर वो इबादत कर सकते थे, इस वजह से उनको बनाया गया था। इट्स कंट्री यार्ड अलोन इज ओवर 30,000 square meters, परमिटिंग थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम टू गैदर फॉर फ्राइडे आफ्टरनून प्रेयर्स। तो और इसका जो टोटल बाउंड्री अगर देखा जाए तो ये 30,000 square meters तक फैला हुआ है, जहाँ पर कि जो मुस्लिम्स हैं वो फ्राइडे को दोपहर की नमाज अदा करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो सकते थे। तो अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स बिल्ट बाय शाहजहां, क्या क्या उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स बनाया। इसमें हम लोगों ने देखा ताजमहल के बारे में पढ़ा, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वहीं जो पीकॉक थ्रोन था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और उसमें कोहिनूर हीरा जो है वो जड़ा हुआ था जिसे नादिर शाह पर्शिया ले गए 1739 एडी में। तो इस तरह से आर्क एंड आर्किटेक्चर का ये सेक्शन जो है हमारा ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर अगली वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन बाय, टेक केयर, और आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें, घर से बाहर निकले जब भी तो सैनिटाइज़र और मास्क जरूर अपने साथ रखें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।